सभी, मैं भावना गर्ग। आज हमने जो लास्ट क्लास में डियर डिस्कस किया था, वहां मैंने आपको बोला था कि बेटा जी हमारे न्यू पैटर्न में, यानी जो मेरा ईआईएस का पेपर है, वहां पर मेरे कुछ पैटर्न में चेंजेस हुए हैं। कुछ नहीं, मैं तो कहूंगी बहुत चेंजेस हुए हैं, क्योंकि अब जो हमारा पैटर्न डिसाइड हुआ है, यानी हमारे जो आईसीआई ने आपके लिए पैटर्न डिसाइड किया है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका पेपर 30% ऑब्जेक्टिव होगा, राइट डियर। तो आज मैं आपको पूरा ईआईएस, यानी एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था, लास्ट लेक्चर में प्रॉमिस किया था, कि मैं ईआईएस में आपको सारे जो टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं बेटा, यानी मेरे अकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया कि मैंने सारे टॉपिक्स को डिवाइड किया हुआ है, सेग्रीगेट किया हुआ है, अलग अलग बांटा हुआ है, अलग अलग तरीके से उसको डिवाइड किया हुआ है। और वो किस तरीके से किया है बेटा? हाँ जी, हमने डिवाइड किया है हमारे ईआईएस को, कैसे डिवाइड किया है, बेसिक से लेके स्टेप बाय स्टेप, यानी हमने एक सीढ़ी की तरह, यानी पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, यानी किस तरीके से हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ये हमने आपको बताया। और आज हम उसी मोड में आपको क्या बता रहे हैं बेटा, मैं आज आपको क्या बताऊंगी कि जो मेरा नया पैटर्न डिसाइड हुआ है, उसमें ईआईएस को आपको किस तरीके से पढ़ना है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों को कंसीडर करते हुए हमें कॉन्सेप्ट्स को आगे गो थ्रू करना है। हालांकि कॉन्सेप्ट्स वही है बेटा, कॉन्सेप्ट्स में कोई चेंज नहीं हुआ, जो सिलेबस पहला था वही अब है, थोड़ी सी अमेंडमेंट है, वो मैंने आपको अमेंडमेंट वाले लेक्चर में बताया है, लास्ट लेक्चर में आपको अमेंडमेंट का पूरा बताया था, ठीक है। बट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वही है, बट हमें उस कॉन्सेप्ट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कैसे गो थ्रू करना है, कैसे आगे पढ़ना है, कैसे समझना है, और कैसे हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए समझना है, ठीक है। तो अब आज हम आपको पूरा ईआईएस के जो मेरे अकॉर्डिंग 9 चैप्टर्स मैंने बांटे हैं, अलग अलग किए हैं, ठीक है बेटा जी। तो मैंने क्या किया है आपके लिए, EIS को डिवाइड किया है, कहां पे डिवाइड किया, कैसे डिवाइड किया डियर। ये जो मेरा EIS है, मैं आपको पहले भी शायद बता चुकी हूं बहुत बार, कि पहले ये जो मेरा पेपर था वो IT के नाम से था, ठीक है जी। न्यू कोर्स में ये EIS के नाम से आ गया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज इट इज SM रहा, बट ये IT जो है EIS के नाम से आ गया। क्यों आया, उसका भी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं, यानी इन 9 चैप्टर्स में मैं आपको कुछ भी पढ़ा रही हूं, वो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी मेरे पार्ट्स हैं, यानी जहां पर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो जब हम उसको ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो हमारे लिए एज अ चार्टेड अकाउंटेंट क्या क्या समझना जरूरी है, और एज अ एम्प्लॉय भी, मतलब अगर मैं एक, आप अगर अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं, तो भी आपको क्या क्या आना या क्या क्या समझना या क्या क्या जानना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से अगर आप एज एन एम्प्लॉय कहीं सीए काम कर, आप एज अ सीए कहीं एम्प्लॉय काम करता है कोई भी, तो वहां पर भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या चीजों पर आपको काम करना पड़ता है, राइट। तो वो हमें यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। और बेटा हम सभी जानते हैं आजकल वो मैनुअल जो, या हमारे जो हम कह सकते हैं रजिस्टर्ड या नोटिंग वाले सिस्टम जो थे, मैनुअल सिस्टम, सब खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना, बहुत जमाना हो गया इसको खत्म हुए हुए। तो हमारा जो आज का एनवायरमेंट है पूरा कंप्यूटराइज एनवायरमेंट है, जिसको हम आज हमारा डिजिटल इंडिया जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डिजिटल इंडिया है वो पूरा किस पर, यानी किसके लिए हमने किया है, ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे पहले इसको प्रमोट किया गया। तो जब ऑर्गेनाइजेशन को में प्रमोट किया गया हमारे डिजिटल वर्क को, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको तो सब कुछ पता होना चाहिए, और जरूरी भी पता होना, क्यों, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मेन पार्ट होता है फाइनेंस। बेटा ध्यान रखना,
अगर पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना भाई। अगर आपको किसी चीज को चलाना है तो उसके लिए किसकी जरूरत है? सबसे पहले पैसे की। भाई सब कुछ बाद में चाहिए लेकिन सबसे पहले तो पैसा चाहिए ना। तभी तो हम किसी चीज को स्टार्ट कर पाएंगे, उसके बाद हम स्ट्रैटेजी लगाएंगे, सिस्टमैटिक जो भी हमें करना होगा हम करेंगे, लेकिन सबसे पहला पार्ट क्या है? पैसा। और प्रॉफिट, उस पैसे से प्रॉफिट कमाना, वही हमारा मोटिव है जो हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बेटा जी? कि मेरा जो बिजनेस है ना, ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ जो हम पढ़ेंगे एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी किसी भी एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन सेम चीज होती है, पता है ना बेटा जी। तो किसी भी बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? पैसे की जरूरत होती है। और हमारा मेन मोटिव क्या होता है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का, बिजनेस का एक सबसे सोल मोटिव है, वो है प्रॉफिट। सोल मोटिव मतलब क्या होता है बेटा जी? सोल मोटिव होता है सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है ना, मोटिव हमारा सबसे महत्वपूर्ण मोटिव क्या है? पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, क्योंकि फाइनेंस सब सारा क्या है, टिका पड़ा है वहीं पर, ठीक है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन में कहां पर मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को किस तरीके से काम, कहां किस लेवल पे कौन काम करता है, कौन काम करवाता है, कौन स्ट्रेटजी ड्रॉ करता है, कौन कहां पर किस चीज को प्रोसीड करता है, कौन किस तरीके से काम को करता है। अगर हम छोटी छोटी सी चीजें, बहुत ही छोटी सी बात करती हूँ मैं, बहुत लंबी चौड़ी कंपनी की बात नहीं कर रही मैं एक बहुत सिंपल से एक मदर डेयरी शॉप की बात करती हूँ, ठीक है बेटा। मदर डेयरी आप सभी लोग जानते होंगे, मदर डेयरी की शॉप्स बहुत जगह जगह पे खुली होती है। तो वहां पर अब वो शॉप तो छोटी है लेकिन मदर डेयरी ब्रांड छोटा नहीं है, ठीक है। तो अब मदर डेयरी के जितने भी आउटलेट्स खुले हुए हैं, तो वो आउटलेट्स क्या कर रहे हैं? मदर डेयरी के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है जी। मदर डेयरी की मटर आती है, या वेजिटेबल्स आते हैं, या दूध आता है, दही आता है, मक्खन आता है, घी आता है, ये सब चीज बेचते हैं। और उनका जो सारा सिस्टम है, क्योंकि वो पैन इंडिया में है, तो उनका जो सारा सिस्टम है वो कंप्यूटराइज है, ठीक है। किस आउटलेट पे कितना सामान गया, कितना बिका, कितना पाइपलाइन में है, कितना अभी स्टॉक में है, कितना स्टॉक आउट हो चुका, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, ठीक है ना। तो ये सारी इसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज, जस्ट लाइक मदर डेयरी, मैंने एक छोटा सा आउटलेट मदर डेयरी का लिया कि सिंगल आउटलेट, वहां पर भी क्या होता है, वहां पर आपने अगर एक मक्खन खरीदा या एक दही का पैकेट खरीदा, तो वो दही का पैकेट उनके स्टॉक से आउट हो गया और उसके बिहाफ पे पैसा इन हो गया, समझ रहे बेटा? भाई स्टॉक में क्या हो गया, वो वन पार्ट लेस हो गया और उसके बिहाफ पे वो पैसा एंटर हो गया कि भाई हमने ये बेचा, सेल में ट्रांजैक्शन चला गया और इन में क्या आया, पैसा आया, ठीक है। तो अब ये जो चीजें हैं ये किसके थ्रू की जा रही है? कंप्यूटर। हमने देखा ना बेटा, आप जाते हैं किसी भी ग्रोसरी, आजकल ग्रोसरी शॉप्स पे भी आप देख लो, या बिग बाजार देख लो, या वो बहुत सारे इजी डे, बहुत सारे आउटलेट्स हैं, ठीक है, जहां पर आपका जो बिलिंग सिस्टम है सारा क्या है, कंप्यूटराइज्ड है, ठीक है। वो क्या करते हैं, बारकोड रीडर होता है उनके पास में, ठीक है, आपने सबने देखा होगा बारकोड रीडर होता है बीसीआर, उसके थ्रू क्या करते हैं, बारकोड रीड करके आपका बिल जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज क्या है, फुली कंप्यूटराइज्ड है, जहां पर आपने जो भी प्रोडक्ट लिया उसके बिहाफ में उसका पैसे के एंट्री वहां पर हो गया। बात क्लियर है बेटा? तो अब आप देख रहे हैं कि मेन पार्ट क्या है, कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट ने सभी चीजों को इतना ऑर्गेनाइज्ड कर दिया, अब कोई भी किसी भी तरीके से क्या नहीं कर सकता, कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती, कोई एरर नहीं हो सकता, क्यों, आपको परफेक्टली पता है। मतलब अगर मैनुअली सोचेंगे तो हम इतना ध्यान रह सकते ना, एक ग्रोसरी शॉप में 500,000 आइटम्स होती हैं, ठीक है, तो अब एक बंदा तो उन सबको ध्यान नहीं रख सकता कि कितना सामान खत्म हो गया, कितना स्टॉक इन है, कितना स्टॉक आउट है। बट कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में आप लाखों चीजों का क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आप पूरा ब्यौरा रख सकते हैं कि कितनी स्टॉक इन है, कितना स्टॉक आउट है, कितना ट्रांजैक्शन मनी हमारे पास है, ठीक है, किस किस तरीके से पैसा आया, कैश में कितना, इवन ये भी होता है कैश में कितना है, ठीक है, ऑनलाइन हमारे बैंक में कितना, सब कुछ हमारा मेंटेन होता है। तो ये सभी चीजें बड़े ही प्यारे तरीके से मेरे सब्जेक्ट में डाली गई हैं, जहां पे देखो बेटा हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, हमें 9 चीजें पढ़नी है। क्या चीजें पढ़नी है हमें? 9 चीजें पढ़नी है। ये देखो जी, ये 9 चीजें, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है बेटा जी। अब तो आपके लिए और बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि 30 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या आ गए,
ठीक है ना। अब 30 नंबर लेने के लिए ना आपको क्या करना है, आपको जो छोटी छोटी चीजें हैं और वो बहुत सिंपल हैं, जैसा मैं आपको बता दूं बेटा, आपने देखा होगा, मैं जिस भी चैप्टर को पढ़ाती हूँ उसके पढ़ाने उसको पढ़ाने के बाद, पूरा पढ़ाने के बाद मैं एक फ्लो चार्ट बनवाती हूँ उस पूरे चैप्टर का। यानी हमारा एक चैप्टर, पूरा का पूरा एक चैप्टर एक एक पेपर पे आ जाता है, ठीक है। वो फ्लो चार्ट भी आप गो थ्रू कर जाते हो तो आप क्या कर लेते हो, बिल्कुल आप ऑब्जेक्टिव बहुत इजीली कर सकते हो। तो ध्यान रखना बेटा, जो मैं फ्लो चार्ट बनवाती हूँ ना एंड में, देखा है ना, बिल्कुल उस फ्लो चार्ट को आपको, वैसे तो क्लास में आप देखते हो आपको याद हो जाता है और आप एक बार ही उसको रिवाइज करते हो। अब ये 9 टॉपिक्स हैं यहाँ पे, देखो आप कितने टॉपिक्स हो गए आपके पास। मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखाया बेटा, ये देखो, मैंने सबसे पहले एक तो ये मेरा इंफॉर्मेशन सिस्टम का हो गया, दूसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल ऑडिट, तो तीन, ये जो तीन चैप्टर्स हैं ये तो एक कॉन्सेप्ट के हैं। मैंने आपको बताया था बेटा इंफॉर्मेशन सिस्टम में मैंने इसको बांटा इस तरीके से हुआ है कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ने के बाद हम उसके कंट्रोल्स पढ़ेंगे, फिर ऑडिट पढ़ेंगे, अभी मैं समझाऊंगी इसको और अच्छे से आपको, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद फिर हम ई कॉमर्स एंड कॉमर्स पढ़ेंगे, फिर हम ऑटोमेशन पढ़ेंगे, फिर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग पढ़ेंगे, फिर CBS कोर बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फिर हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, फिर IT एक्ट पढ़ेंगे क्योंकि हमें लीगल पोर्शन भी पढ़ना है थोड़ा बहुत। तो अब यहाँ पर ये जो मैंने कुल मिला के 9 चैप्टर्स आपके डिवाइड किए हैं, आपके इंस्टीट्यूट की बुक में कम है चैप्टर्स, बट कंटेंट मैंने बढ़ाया नहीं बेटा, ध्यान रखना, डरना मत कि 9 चैप्टर्स कर दिए मैम ने, मैंने आपके उसी कंटेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप वाइज डिवाइड किया है, क्योंकि आप वैसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा बच्चा, ठीक है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप पहले जेड पढ़ लेंगे, ए बाद में पढ़ेंगे, तो आप किसी भी तरीके से अल्फाबेट नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, ठीक है ना। तो हम छोटी छोटी चीजें पहले पढ़ते हैं, पहले फंडामेंटल्स पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैंने क्या बोला बच्चा, वेरी गुड, मैंने कहा आपको कि मेरा जो फ्लो चार्ट है आपको बस वो अच्छे से करना है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ठीक है जी। और जो मैं क्लास में आपको लिखवाती हूँ, ठीक है ना, आप देखते हो, मैं आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे बेटा, कि मैं एक एक पॉइंट को लिखवाती हूँ, मैं एक एक पॉइंट को पूरा का पूरा डिक्टेट कराती हूँ क्लास में। तो मेरा मोटिव यही होता है डिक्टेट कराने का कि जो मेरे बच्चे हैं उन्हें कोई भी किसी भी तरीके से लिखने में दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरे मेरे सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो यही आती है, लिखने में प्रॉब्लम होती है, मैम लिखा नहीं जाता, टेक्निकल लैंग्वेज है तो कैसे लिखे। तो इसके लिए ही मैं आपको पूरी की पूरी थ्योरी लिखवाती हूँ, और उस लिखवाने का मेरा मेजर रीजन यही है, ठीक है, ताकि आप सब्जेक्टिव को जो क्वेश्चंस हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको बहुत आराम से गो थ्रू कर पाए, ठीक है बेटा जी। तो अब ऑब्जेक्टिव के लिए अब आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, क्या दो चीजें ध्यान रखनी है बेटा, वेरी गुड, आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, आपको EIS को दो मोड में पढ़ना है। कितने मोड में पढ़ना है बेटा, दो मोड में, एक तो हमें पढ़ना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स बेटा MCQs भी हो सकते हैं, मैं पहले ही बता रही हूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, फिलअप्स भी हो सकते हैं, ठीक है जी, या फिर कोई और प्रैक्टिकल तरीका भी हो सकता है उसको कंसिडर करने का, ठीक है, जहां पर ऊपर कोई क्वेरी दी हो उसके नीचे ऑप्शंस दिए हो, ठीक है। या अब यहां पर ये जो MCQ है और इसमें क्या डिफरेंस होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा मे बी, यहां पर इस MCQ में आपको 4 ऑप्शंस दिए हो और यहां पर 2 ऑप्शंस दिए हो, इस तरीके से भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, फिलअप फॉर्म में भी आ सकते हैं, मैचिंग फॉर्म में भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, ठीक है, आपको ट्रू फॉल्स पूछे वो भी आ सकता है, क्या ये सही है, ठीक है, क्या अगर मैं कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट की बात करती हूँ तो क्या कोई भी इन्वायरमेंट 100% कंप्यूटराइज हो सकता है, तो मैं आपको बताया नहीं, 1% या 0.1% मैनुअल इंट्रैक्शन होगा ही होगा, क्योंकि आपको किसी भी कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट को ऑन ऑफ करने की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है, ठीक है बेटा। तो ये जो तरीका है, ये तरीका वहां पर आपको रीजन को इंटरप्रेट करना होगा, तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो ऑब्जेक्टिव्स में आएंगी, और वो मैं गारंटेड श्योर कर रही हूँ बेटा जी, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे जो फ्लो चार्ट्स हैं, 9 चैप्टर के 9 फ्लो चार्ट मैं जो आपको बनवाती हूँ, आप सिर्फ उनको कर जाइए, 30 नंबर पक्के हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब जो EIS का मैंने सब्जेक्टिव पार्ट बोला, मैंने क्या बोला बेटा कि हमें दो जगह ध्यान रखना है, दूसरा पार्ट क्या है, वेरी गुड,
सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव के लिए बेटा आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज जो मैं क्लास में लिखवा रही हूं, अब मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको रट के जाओ, और आप जानते हैं बेटा जब मैं किसी चीज को समझाती हूँ आपको और उसके बाद जब लिखवाती हूँ तो आपको रटने का कोई भी ऑप्शन है ही नहीं, मतलब आपको रटने की जरूरत ही नहीं है उसको, ठीक है ना। आपको ये पता लग जाता है ठीक है, अगर अगर जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, और ये मैं अपनी क्लास में जो मैं आपको बताती हूँ मैं उसी तरीके से बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको सिस्टम की डेफिनेशन करवाई है, ठीक है जी बेटा, मैं यहाँ छोटे से पार्ट से स्टार्ट कर रही हूँ, सिस्टम की डेफिनेशन बताई मैंने आपको, राइट। मैं क्या मैंने कैसे करवाई आपको सिस्टम की डेफिनेशन, क्या बताया था मैंने सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, क्या होता है सिस्टम, मैंने एग्जाम्पल लिया था अपने, ठीक है ना बेटा, ध्यान है आपको, बिल्कुल मेरे लेक्चर में देख लीजिएगा, वीडियो लेक्चर में है आपके पास, यूट्यूब पे है मेरा वो लेक्चर, कि सिस्टम क्या है। अगर मैं अपनी बॉडी को ही ले लूं कि भैया ये एक इंसान है, ठीक है, अब किसी भी ह्यूमन बीइंग की दो आंखें, एक नाक, एक मुंह, दो हाथ, उनमें 10 उंगलियां, ठीक है, किसी किसी 11 भी होती है वो बात अलग है, ठीक है, दो पैर, लंग्स, लीवर, हार्ट, किडनी, सब कुछ, ब्रेन एक्टिव है, इसका मतलब क्या है, मतलब समझते हो आप, ये जो सारी चीजें हैं, लिवर, हार्ट, बहुत सारी चीजें दी हैं भगवान ने हमें, दिल दिया है, किडनी दिए है, लीवर दिया है, एपेटाइट दिया है, बहुत सारी चीजें दी हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स वी हैव, राइट, लॉट्स ऑफ कंपोनेंट्स वी हैव, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं भैया हमारे, बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारी बॉडी में, बहुत सारे पार्ट्स है ना, बिल्कुल है भैया, मेरे सर पे पता नहीं कितने लाख बाल हैं, राइट, या मैं कह दूं कि मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको अगर इंटरेक्ट कर रही हूँ, मैं आपसे अगर किसी भी चीज तरीके से आपसे अगर अपना इंटरेक्शन इनपुट और आउटपुट दे रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मेरा ब्रेन जो है एक्टिवली काम कर रहा है, कर रहा है ना, बिल्कुल सही बात है। मैं यहाँ पर खड़े होकर अगर पूरे सिस्टम को हैंडल कर रही हूँ, आपके लिए लेक्चर तैयार कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मैं अप्रोप्रिएट मैनर में काम कर रही हूँ, कर रही हूँ ना बेटा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बॉडी के, मेरे शरीर के हर पार्ट सही तरीके से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चा, सही तरीके से काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो बॉडी है इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं बेटा जी, काम कर रहे हैं एक साथ काम कर रहे हैं, वर्क टुगेदर, क्यों काम कर रहे हैं, क्या, टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। जैसे मैंने अभी कहा, मैं अगर आपके सामने खड़ी हूं, बोल रही हूं, बात कर रही हूं, तो मैं अप्रोप्रिएट मैनर में, और मेरा मोटिव क्या है, रिकॉर्डिंग करना, आपको देना, ठीक है, तो ये मेरा मोटिव है, ठीक है। तो एक परफेक्ट इंसान के अगर सारे एलिमेंट, सारे कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि वह सही है, या हम कह सकते हैं एप्रोप्रिएट मैनर में सही तरीके से लाइव है। तो वर्क टुगेदर टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, ठीक है। अब सबका गोल अलग अलग हो सकता है, यानी कोई भी काम अगर कोई कर रहा है, अगर ये पंखा चल रहा है, अगर ये एसी चल रहा है, अगर ये लाइट चल रही है, तो लाइट का मोटिव क्या है, सारे एलिमेंट्स काम करके रोशनी देना, एसी चल रहा है, सब कंप्रेसर, फैन, सब काम कर रहे हैं, तो मुझे ठंडी ठंडी हवा दे रहे हैं, राइट, मेरी बात समझ रहे हो बेटा, इन्वायरमेंट को मेंटेन कर रहे हैं मेरे लिए, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं। तो अब ये क्या है, इनका स्पेसिफिक गोल है, हर एक सिस्टम का एक स्पेसिफिक गोल होता है, जिसको सारे सिस्टम के एलिमेंट्स एक साथ काम करके उसको अचीव करना चाहते हैं। तो ये तो समझ में आ गया, यही है ना, इतना ही है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बहुत सिंपल, क्या है सिस्टम, जो यहां पर मैंने बताया क्या है सिस्टम, इज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल स्मॉल कॉम्पोनेंट्स, यही बताया ना बेटा, सिस्टम क्या है, कलेक्शन ऑफ स्मॉल स्मॉल कॉम्पोनेंट्स, यही है, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल कॉम्पोनेंट्स हैं, उसका क्या है, कलेक्शन है सिस्टम, ठीक है, विच वर्क टुगेदर टू अचीव, ये क्या हो गया, एक साथ काम कर रहे हैं वो कंपोनेंट्स, टू अचीव
a specific goal. ये लीजिए बन गई डेफिनेशन, बन गई ना डेफिनेशन बेटा सिस्टम की। तो हमें इसी तरीके से करना है, यानी हमें किसी चीज को रटना नहीं है, हमें समझना है, हमें कॉन्सेप्ट को सिर्फ और सिर्फ समझना है। जैसे ही हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो हमारे हाथ अपने आप चलते हैं लिखने के लिए। आपने बहुत सिंपल सी चीज देखी होगी बेटा, अगर आपको समझ में आता है ठीक है, तो आप कोई नर्सरी केजी के बच्चे नहीं है कि आप लिख नहीं पाए उस चीज को। और ऐसा किसी डिक्शनरी में नहीं लिखा, ऐसा किसी इंस्टीट्यूट की बुक में नहीं लिखा कि आपको बुक की लैंग्वेज लिखनी है। जो भी ये बात कहता है वो आपको सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में ले जा रहा है, मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। हाँ, आप पॉइंट्स को रिमेम्बर रखिए, पॉइंट्स इन द सेंस ऑफ पूरी बुक याद नहीं करनी। पॉइंट्स क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या पॉइंट्स होते हैं, बिल्कुल कंपोनेंट्स कितने हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स है, पीपल है। अगर मैं कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट की बात करती हूँ, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की बात करती हूँ, तो उसमें कितने कंपोनेंट्स है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये पॉइंट याद करने हैं। अब हार्डवेयर की डेफिनेशन पूरी एज इट इज याद नहीं करनी जो बुक में लिखी हुई है, ध्यान रखेंगे इस बात का ठीक है। तो ये हमने तरीका अपनाया, तो आपको यहाँ पर रटने की जरूरत तो नहीं पड़ी। मैंने जो डेफिनेशन यहाँ पर आपको इस डायग्राम के थ्रू बनाई वो ऑटोमेटिकली बन गई ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा जी हमें ये 9 चैप्टर्स अपने करने, 9 चैप्टर्स ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया बेटा आपको कि मुझे EIS, मैंने EIS को 2 पार्ट्स में कंसिडर करना है, क्या ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मैंने पूरा बताया, अब सब्जेक्टिव मैंने बताया। सब्जेक्टिव मैंने क्या बताया, 2 तरीके से आप समझेंगे सब्जेक्टिव को। और 2 तरीके समझने का मतलब क्या है बेटा जी, एक तो वो जो मैं क्लास में नोट कराती हूँ ठीक है बेटा, एक वो जो मैं क्लास में नोटिंग, मेरी पूरी जो भी नोटिंग होती है बेटा उसको आपको ध्यान से समझना है ठीक है। दूसरा, आपके राइटिंग स्किल्स थोड़े से इंप्रूव करने हैं, राइटिंग स्किल्स इन द सेंस ऑफ आप जो भी लिखें वो सही होना चाहिए, सही इन द सेंस ऑफ यस ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए ठीक है जी। मतलब आप जब भी किसी पैटर्न को लिखें, आप किसी टॉपिक को लिखते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा ग्रामेटिकली देखें कि उसका जो आप जो भी इनपुट दे रहे हैं क्या उसका आउटपुट सही है, वो सामने वाले को उसी तरीके से समझ में आ रहा है जिस तरीके से आप लिख रहे हैं। तो उसके लिए आप बहुत छोटी सी चीज आप करेंगे बेटा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। जब आप मेरे लिखाए हुए नोट्स को खुद लिखेंगे ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं प्रिंट आउट्स ले लेते हैं बस ठीक है, तो वो नहीं करना बेटा आपने, आपने खुद लिखना भी है उनको। जैसे जैसे मैं लिखवा रही हूँ उसको एज इट इज आपको लिखना भी है। तो जब आप उस चीज को समझ के लिखेंगे ना आप, तो अपने आप आपकी ये राइटिंग स्किल्स वाली जो प्रैक्टिस है वो अपने आप हो जाएगी। यानी ये दोनों चीजें जो नोटिंग है और ये राइटिंग स्किल्स है, इसके लिए आपको एक ही काम करना है, जो भी मैं क्लास में डिक्टेट करा रही हूं उसको आपको प्रॉपर एक नोटबुक बनानी है और वहां पर उसको आपको मेंटेन करना है। तो आपको 2 चीज मेंटेन करनी है बेटा, एक तो फ्लो चार्ट्स जो मैंने आपको बोले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट्स कॉन्सेप्ट्स फ्लो चार्ट जो मेरे होते हैं उन्हें मेंटेन करना है, और जो मेरी नोटिंग है जो मैं क्लास में डिक्टेट कराती हूँ उसको आपको प्रॉपरली मेंटेन करना है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं बेटा जी जो मेरे एग्जाम पैटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा, हमारा जो 9 टॉपिक्स हैं उनको मैं डिस्कस कर रही हूँ बेटा जी आपके लिए राइट। तो बेटा हमने अभी अभी क्या कहा आपको, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैंने क्या कहा EIS को मैंने 9 भागों में बांटा हुआ है, 9 डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई हैं, चैप्टर्स को डिवाइड किया हुआ है, और वो इसलिए किया हुआ है ताकि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। तो सबसे पहले EIS में जो वर्ड आ रहा है आप देख रहे हो बेटा, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आ रहा है ना वर्ड। तो सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो वर्ड है इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसे ही पढ़ना है। इसका बेसिक या फंडामेंटल कुछ भी कह सकते हो आप, ये कहां पे आएगा, इसका बेसिक और फंडामेंटल पार्ट जो है आएगा चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 आपको बताएगा फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है ठीक है जी।
कहाँ कहाँ यूज होता है, किस किस तरीके से यूज होता है, ये सभी चीजें छोटी मोटी पूरी पार्ट पूरा बेसिक पॉइंट सारा इसके अंदर आ जाता है। जब हमें फंडामेंटल पता लग जाता है, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि भैया इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट है, तो इसके कुछ ना कुछ इफेक्ट्स भी होंगे, तो उनको कंट्रोल कैसे करें। तो फिर सेकेंड चैप्टर में हम उसके कंट्रोल्स पढ़ते हैं, कंट्रोल्स। और कंट्रोल्स पढ़ने के बाद, ठीक है बेटा, अब कंट्रोल्स में हमें सारे कंट्रोल्स पढ़ने हैं। हम कह सकते हैं कि जितने भी कंट्रोल्स हैं, अब ये कंट्रोल्स मेरे, अगर मैं कह सकती हूँ ऐसा कि जो मेरे कंट्रोल्स हैं उनके क्या इम्पैक्ट होंगे, ठीक है ना, कंप्यूटर एनवायरनमेंट के जो इम्पैक्ट हैं इंटरनल कंट्रोल्स पर, वो सभी कंट्रोल्स पढ़ने हैं। कंट्रोल क्या है, क्यों लिए जाते हैं, उनके कारण क्या है लेने के, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, बेसिक फॉर्म या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, कितने तरीके के कंट्रोल्स होते हैं या कितने तरीके के कंट्रोल्स हम यूज़ करते हैं, लॉजिक लॉजिकल मैनर में कितने कंट्रोल्स हैं, फिजिकल मैनर में कितने कंट्रोल्स, तो लॉट्स ऑफ टाइप्स दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार के कंट्रोल्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। उसके बाद बेटा जी हमने बात करनी है किसकी, यस, ऑडिट की। ऑडिट मतलब मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे समझते हैं, जहां पर हम वेरीफाई करते हैं, क्या करते हैं बेटा, चेक करते हैं इज इट अप्रोप्रिएट और नॉट, ठीक है, क्या ये सही है, ठीक है, नहीं है तो इसीलिए नहीं है, उसका रीजन भी मेंशन करते हैं। तो यहां पर हम ऑडिट, जहां पे ऑडिट ट्रेल, शायद आप बहुत अच्छे से जानते होंगे बेटा ऑडिट ट्रेल क्या होता है, जहाँ पे हम इनिशियल स्टार्ट से लेके एंड तक चेक करते हैं पूरे सिस्टम को, तो वहां पर हम यहाँ पर सिस्टम ऑडिट में पढ़ेंगे क्या जरूरत है। ऑडिट टेक्निक्स हम पढ़ेंगे, कॉन्करेंट ऑडिट टेक्निक्स, इसमें आपको मैं ITF पढ़ाऊंगी, CIS पढ़ाऊंगी, राइट डियर, स्कार्फ टेक्निक पढ़ाऊंगी, स्नैपशॉट पढ़ाऊंगी, तो ये फिर टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम ऑडिट करते हैं, राइट, यस यस, हम IT एनवायरमेंट में ऑडिट जब करते हैं तो इन टेक्निक से करते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद ई कॉमर्स एंड आई कॉमर्स, ये वर्ड मेरे हिसाब से बहुत फैमिलियर है आप लोगों के लिए। आजकल सभी ई कॉमर्स और एम कॉमर्स बेस्ड हमारे वेबसाइट्स जो होती हैं उन पे सब शॉपिंग करते हैं, सब सामान अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, सब सब यूज करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, जहाँ पे हम पूरा जो पूरा पैटर्न है, पूरा जो सिस्टम है, उसको हम पढ़ेंगे कि एम कॉमर्स में जो टेक्नोलॉजी है, या एम कॉमर्स कितने टाइप्स की होती है, या हम कह सकते हैं एम कॉमर्स में जो पेमेंट गेटवे है, ये सब चीज़ हमें पढ़नी है बेटा। ई कॉमर्स एम कॉमर्स में जो पेमेंट गेटवे होती है वो क्या होता है, पेमेंट गेटवे क्या होता है, रोल क्या है कॉमर्स का, ठीक है, रोल क्या है ई कॉमर्स का, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, ई कॉमर्स का सर्वर क्या है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ई कॉमर्स में होने वाले थ्रेड्स भी और लॉस भी, ये भी हमें यहाँ पर पढ़ने होंगे, ठीक है। इसके बाद ई कॉमर्स के बाद हमारा चैप्टर है BPA और ABP। मैंने यहाँ पे दोनों नाम लिखे हैं बेटा, ये मैंने इसीलिए लिखे हैं यहाँ पर क्योंकि BPA का फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, एंड ABP का क्या है बेटा, ऑटोमेशन बिजनेस प्रोसेस, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। तो मतलब दोनों का सेम ही है, ठीक है, वर्ड्स को आगे पीछे किया गया है। पुराने कोर्स में ये BPA के नाम से था, नए कोर्स में ये ABP के नाम से है। टॉपिक सेम है, मतलब सेम है, डेफिनेशंस भी सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो यहां पर हम बिजनेस के प्रोसेस को ऑटोमेशन यानी ऑटोमेट करते हैं, तो क्या होता है, किस तरीके से करते हैं, क्यों करते हैं, रीजंस क्या है, ये सब चीज पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद फाइनेंस, जहाँ पे हम फाइनेंस हमारा एग्जैक्टली कंप्यूटर एनवायरनमेंट में किस तरीके से किया जाता है, एम कॉमर्स और ई कॉमर्स को इंटरेक्ट करते हुए ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से अकाउंटिंग सिस्टम को प्रोसीड करते हैं, कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में हमारा जो EIS है वो किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, ये सारी चीजें। उसके बाद कोर बैंकिंग सिस्टम बेटा जी, जहाँ पे हमारा ऑनलाइन एनवायरनमेंट आता है। कोर का मतलब क्या है, हमारा सेंट्रल ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जहां पे हमारा जो रियल टाइम एनवायरनमेंट है, बैंकिंग सिस्टम में रियल टाइम एनवायरनमेंट होता है, ऑनलाइन एनवायरनमेंट होता है, जहां पे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो रियल टाइम एनवायरनमेंट में होती हैं, ठीक है। तो ये सारी सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं किस तरीके से होती हैं, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये सब चीज पढ़ेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर इस टॉपिक का कोई भी अंत नहीं है,
अंत इन द सेंस ऑफ, क्योंकि इस पे ऑटोमेटिकली वो पार्ट्स आ जाते हैं जो रिसेंटली हमारी एनवायरनमेंट में डेवलप हुए हैं, यानी रिसेंट टेक्नोलॉजी जो भी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी है, वो ऑटोमेटिकली इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आ गई, ध्यान रखना। तो इस चैप्टर में ऑटोमेटिकली जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी आती है एनवायरनमेंट में वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी, ये याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आईटी एक्ट, जहां पे हमें कंप्लीट लॉ पढ़ना है बेटा, यानी साइबर लॉ आप जिसे कह सकते हैं, साइबर लॉ कि भैया अगर आपने किसी को फेसबुक पे कुछ कह दिया या किसी को मैसेज कर दिया, गाली दे दी, ठीक है, या किसी का सिग्नेचर चुरा लिया, या किसी की फोटो, आप माधुरी दीक्षित की फोटो लगा के, ठीक है, किसी को चीट कर रहे हो, या आप सलमान खान के नाम से किसी को किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हो, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारे जो लॉज हैं, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे आईटी एक्ट, ठीक है बेटा। सो आज के लेक्चर में मैंने आपको बेटा पूरा ये बताया है कि हमें किस तरीके से किस पार्ट को ऑब्जेक्टिवली और सब्जेक्टिवली कंसिडर करना है। तो आगे भी डियर मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लाती रहूंगी, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं दोबारा बता रही हूँ, मैं भावना गर्ग आपके लिए EIS एंड SM की नई नई वीडियोस जो भी मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए रिकॉर्ड करती रहूंगी और आपको सेंड करती रहूंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक ऑल्सो। थैंक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। थैंक यू।